गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह लगभग 8 बजे है और मैं आया हुआ हूँ भुवनेश्वर अपने कुछ पर्सनल काम से, पर आदत है घूमने की तो हमने कहा उसके लिए भी समय निकालें। और बढ़िया मौसम अच्छा हो रहा है, वैसे सीज़न हॉट है पर अभी चूँकि सूरज नहीं निकला तो बादल हैं और मौसम थोड़ा ठंडा है, तो मैंने सोचा कि ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और सबसे पहले यहाँ पर जो पहाड़ी है वहाँ जाया जाए। पहाड़ी मतलब उदयगिरी, खंडागिरी, दो प्राचीन केव्स हैं। एक उदयगिरी केव्स विदिशा के पास जो हमने पहले गए थे, दूसरी उदयगिरी केव्स हम आज जा रहे हैं भुवनेश्वर में। तो आइए चलते हैं उदयगिरी केव्स। अभी लगभग 1 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुँच गए हैं उदयगिरी खंडागिरी। खंडागिरी जैन तीर्थ है और काफ़ी पुराना तीर्थ है, लगभग पहली और दूसरी शताब्दी का बना हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना तीर्थ है। और अभी हम लोग इसका पूरा भ्रमण करेंगे, तो आइए चलते हैं केव्स को देखने के लिए। दोस्तों, ये है रानी गुफा, गुफा नंबर 1 जिसको बोला जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो रानी थी वो भी चूँकि जैन धर्म को मानने वाली थी, तो वो यहाँ पर साधुओं की सेवा के लिए उदयगिरी आती थी और यहीं रुकती थी, तो ये उनके रुकने के लिए बनाया गया था। ये गुफा 2 मंजिला है और इसमें जो पिलर्स दिख रहे हैं वो पिलर्स आपको मैक्सिमम पिलर्स जो हैं वो बाद में लगाए गए हैं। चूँकि सारी गुफाएँ जो हैं ये सैंडस्टोन पर बनी हुई हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय के अनुसार पानी के कटाव से जो कलाकृतियाँ बनी हैं वो क्षीण होती जा रही हैं। ये है छोटा हाथी गुफा। गुफा के द्वार पर तोरण पर हाथी बने हुए हैं, छोटी सी गुफा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं बनी हैं वो राजा खारवेल ने पहली और दूसरी शताब्दी में बनवाई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जैन साधु जहाँ आते हैं वो अपनी साधना कर सकें एकांत में, इसलिए ये गुफाएं बनाई गई थी। कालांतर पे अलग अलग गुफाएं बनी हैं और सबका अपना इतिहास है, कुछ जगह ब्राह्मी लिपि से कुछ लिखा हुआ है। ये है गुफा नंबर 5, जय विजय गुफा। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। और आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ी पर बहुत सारी संरचना ऐसी बनी थी जो ऐसा लगता है कि वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई हैं। गुफाओं में भी कुछ इस टाइप से नालियाँ बनी हैं ताकि जो बारिश का पानी आता है उसको प्रॉपरली निकाल के कहीं स्टोर किया जाए। हम लोग देखते हैं कहीं हमें स्टोरिंग जगह भी मिलेगी तो उसको भी सर्च करते हैं। ये है दिगंबर जैन मंदिर खंडगिरी जो आप सामने देख रहे हैं। अभी हम लोग उदयगिरी पहाड़ पे हैं और उदयगिरी के सामने ही खंडगिरी है। उदयगिरी में लगभग 14 या 15 गुफाएं हैं और लगभग इतनी ही गुफाएं खंडगिरी में भी है। दोस्तों, ये है गुफा नंबर 8।
यह है गुफा नंबर 9 जो आप देख सकते हैं, डबल स्टोरी बनी हुई है। जैसे कि रानी गुफा थी गुफा नंबर 1, वैसे ही यह है गुफा नंबर 9। इसका नाम है मंचपुरी और स्वर्गपुरी गुफा। शायद दो मंजिलों बनी हुई हैं इसलिए इसको दो नाम दिए हुए हैं। दोस्तों ये है मंचपुरी, ये पूरी गुफा आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 4 पिलर हैं, बरंडा बना हुआ है और गुफा की बनावट देख के ऐसा लगता है जैसे पूजा अर्चना के लिए इस गुफा को बनाया गया है। ये खारवेल के सक्सेसर जो थे उनने इसको बनाया था। ये देखिए, ये देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गुफा नंबर 10 पे, जिसका नाम है गणेश गुफा। आप देख सकते हैं ये गुफा, इसमें सामने दो हाथी हैं और अंदर 3 पिलर्स बने हुए हैं और बरांडा टाइप से है, बैठक है बरांडे में। गुफा के लगभग 4 द्वार हैं अंदर जाने के, जिसमें ऊपर पूरा नक्काशियाँ बनी हुई है। और चूँकि इसमें अंदर गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, अभी हमें दिख नहीं रही है, गणेश जी बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम गणेश गुफा रखा गया है। ये गुफा 1st century BC की है और जिसमें बाद में भी कुछ काम हुआ है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर की अवशेष हैं जो 2nd century BC के बने हुए हैं। अब सिर्फ भग्नावशेष रह गए हैं। ये आपको सामने दिख रहा है जैन मंदिर जो खंडारगिरी का, हमने नीचे से भी देखा था इसको। उससे ये आप देख रहे हैं मंदिर का अवशेष, मंदिर की पूरी रचना दिख रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यह है गर्भगृह, पूरा गोल उसमें बना हुआ है, आसपास परिक्रमा का पथ बना हुआ है। कुछ गड्ढे भी दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि पिलर्स के लिए बनाए गए होंगे। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, देखते हैं हम इसके भी और खोजबीन करेंगे। चलिए अब अगली गुफाओं की तरफ चलते हैं। यह है गुफा नंबर 11, जबरेश्वर गुफा। इसमें बीच में एक पिलर बना हुआ है, अंदर जाने के 2 दरवाजे हैं। यह है दोस्तों गुफा नंबर 12, जिसका नाम है बाघ गुफा। आप देख सकते हैं कि पूरा गुफा का जो है वो बिल्कुल शेर के मुंह जैसा बना हुआ है, शेर की आंखें, उसकी नाक, पूरा जबड़ा बना हुआ है और जबड़े के अंदर गुफा बनी हुई है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेट हो रहा है, अलग ही समझ में आ रहा है कि शेर मुंह खोल के खड़ा है। दोस्तों ये है गुफा नंबर 13, सर्व गुफा, जो आप देख सकते हैं कि गुफा के दरवाजे के ऊपर 3 फन का एक सांप बना हुआ है और इसी कारण इसका नाम सर्व गुफा रखा गया है। ये एक सिंगल चट्टान में एक बनी हुई एक गुफा है। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं उदयगिरी की 2nd लार्जेस्ट गुफा, जिसको कहते हैं हाथी गुफा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गुफा है ये, इसमें अंदर छोटे छोटे कक्ष से बने हुए हैं और देखिए एक शेर यहाँ आराम कर रहा है, देसी शेर है। पूरा यहाँ जैसे लग रहा है कि एक आसन बना हुआ है राजा का। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है कि हर जगह किनारे किनारे नालियाँ बनी हुई हैं ताकि जो भी पानी आए वो पानी कोने से निकल जाए और सब जगह गीला नहीं करे, ताकि तपस्वी साधु जो बैठे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। दूसरे आप यहाँ देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि में गुफा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम इसको और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ब्राह्मी तो हमें समझ नहीं आ रही, पर हाँ विद्वानों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका अनुवादन भी किया है, हम कोशिश करेंगे उसको भी पढ़ने की, उसको भी ढूंढ के, ताकि इस गुफा के इतिहास के बारे में और यहाँ के बारे में और जान पाएँ। दोस्तों हमारा इसी गुफा नंबर 14 के साथ में हमारा उदयगिरी का
पहाड़ कंप्लीट होता है। अब हम लोग सामने खंडगिरी पे जाएंगे। आपको एक चीज़ और बताऊं, जब मैं विदिशा के पास मेरा उदयगिरी, वहाँ भी एक केव्स हैं उदयगिरी केव्स, जब मैं उसको सर्च कर रहा था तो मुझे बार बार यहीं की फ़ोटोग्राफ्स दिख रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत दूर है, कब जाएंगे। पर कहते हैं ना कि वो एक डायलॉग था कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो भगवान भी उसको मिलाने की वो रखता है। तो ऐसे ही हुआ, इच्छा थी कि उदयगिरी एक तो देख लिया, दूसरा भी देखें। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि काम के सिलसिले में उड़ीसा आना हुआ, तब ये मालूम था कि उदयगिरी उड़ीसा में है, पर कहाँ ये भी नहीं मालूम पड़ा। और किस्मत ऐसी देखी कि भुवनेश्वर आना पड़ा काम के सिलसिले में, और उदयगिरी केव्स जो है वो भुवनेश्वर में ही है। तो आज किस्मत हो गई, इच्छा थी तो उदयगिरी केव्स भी देख ली। अब आइए, अब चलते हैं सामने के पहाड़ पर खंडगिरी केव्स में। लगभग हमें 1.5 घंटा हो गया घूमते घूमते। हाँ, पर इतिहास को जानने की इच्छा हो, इतिहास को समझने की इच्छा हो तो 1.5 घंटा भी कम है, और समय दिया जा सकता है। पर थोड़ा सा समय की लिमिटेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम खंडगिरी पहाड़ की ओर चलते हैं। चलिए, जैसा सोचा था इस वह मौसम थोड़ा ठंडा मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे घड़ी के कांटे घूमते गए, सूरज ऊपर चढ़ता गया और धूप आ गई। हालांकि हवा चल रही है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, पर फिर भी पसीने से तर हो रहे हैं। यह है पहली गुफा, तातोवा गुफा बोलते हैं। तो फिर पुरानी गुफाएं हैं इसलिए खंडित हो गई हैं। यह है गुफा नंबर 2। दो पिलर बने हुए हैं, बरामदा बना हुआ है। गुफा में अंदर जाने के 3 दरवाजे हैं। तीनों दरवाजे पर आप देखें आर्च बने हुए हैं बहुत अच्छे। अब हम चल रहे हैं गुफा नंबर 3, 4, 5, 6। बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। ये गुफा नंबर 4 है। गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 7। गुफा नंबर 7 में आप देखें अंदर गणेश जी की और देवी जी की प्रतिमाएं उकेरी हुई है। हम लोग चल रहे हैं और ऊपर गुफा की तरफ। पुराने रास्ते बने हुए हैं। ये गुफा नंबर 4 जो हम पहले देख चुके हैं, अभी हम ऊपर चलते हैं। बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, चट्टानों को काट के बनाई गई है। अब हम चल रहे हैं जैन मंदिर। दोस्तों, अब फाइनली हम लोग आ गए हैं खंडगिरी के जैन मंदिर में। दिगंबर जैन मंदिर खंडगिरी, ये मूल मंदिर है। इसके अलावा यहाँ लगभग 4 बेदियाँ और हैं, कुल मिला के 5 बेदियाँ हैं। अभी जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं खंडगिरी पहाड़ से उदयगिरी पहाड़ पे बनी गुफाओं। दोस्तों, आज हमारी ये ट्रिप उदयगिरी खंडगिरी केव्स की कंप्लीट हो गई, और लगभग 2 घंटे का समय लगा हमें पूरी केव्स में जाने के लिए और जैन मंदिर दर्शन करने के लिए। हम अपनी ट्रिप को यहीं एंड करते हैं और अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक देखते रहें नेचर ट्रैक।